हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादेन, योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के वो सभी फॉर्मूलाज आपको कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल पोर्शन में काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखते रहिए, और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्मूला है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर एंगल इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन। तो हमारे पास एंगल आई को हम डिनोट करते हैं एंगल ऑफ ए इंसिडेंस, यदि आर की बात करें एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन। तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। सेकेंड हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड ए फोकल लेंथ। तो हमारे पास इसका जो फॉर्मूला रहेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ए फोकल लेंथ। यदि हमने यहाँ से फोकल लेंथ निकालनी है तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय टू। अब यदि बच्चों हम बात करें एफ, एफ हमारे पास दिस इज ए फोकल लेंथ, आर की बात करते हैं दिस इज ए रेडियस ऑफ ए कर्वेचर। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है थर्ड फॉर्मूला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला हमारे पास 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। अब यहाँ पर एफ की बात करते हैं दिस इज ए फोकल लेंथ, वी की बात करें दिस इज ए इमेज डिस्टेंस, यू की बात करें दिस इज ए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए। उसके साथ साथ यदि इसकी मैग्नीफिकेशन करते हैं, मैग्नीफिकेशन बाय ए स्फेरिकल मिरर, तो हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। सेकेंड हमारे पास फॉर्मूला रहेगा इमेज डिस्टेंस से रिलेटेड, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू माइनस इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एम हमारे पास मैग्नीफिकेशन, एच आई हमारे पास क्या रहेगा, हाइट ऑफ ए इमेज। यदि एच ओ की बात करें दिस इज ए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वी की बात करें दिस इज ए इमेज डिस्टेंस, और यू की बात करते हैं तो दिस इज ए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले बन के आए। मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है हाइट ऑफ इमेज, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने यहाँ पर मैंशन किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वलेंट कर देंगे। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस का साइन होता है मिरर के केस में, माइनस वी डिवाइड बाय यू। यदि आपने निकालना आता है हाइट ऑफ इमेज तो क्या करोगे, माइनस वी डिवाइड बाय यू मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा ये। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, और ये इंपॉर्टेंट टर्म्स न्यूमेरिकल पोर्शंस के अंदर पुट अप जरूर की जाती हैं। तो देखिए इसको, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट इसके अंदर क्या रहेगा कि फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इज टेकन पॉजिटिव। जो फोकल लेंथ है कन्वेक्स मिरर में वो आपने क्या लेके चलनी है, पॉजिटिव। यदि बात करें फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर, वो आपने क्या लेके चलनी है, नेगेटिव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली बच्चों। थर्ड हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म रहेगी जो मैग्नीफिकेशन, यदि नेगेटिव होती है तो इमेज कौन सी बनेगी, रियल इमेज फॉर्म्ड होगी। यदि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होती है तो इमेज किस प्रकार की फॉर्म्ड होगी, वर्चुअल। नेक्स्ट हमारे पास यदि नंबर फाइव की बात करें, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देन मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी, वन के इक्वल होगी। दैट इज इमेज इज इक्वल टू द इमेज ऑफ ए ऑब्जेक्ट। जो हमारे पास इमेज है किसी भी उसकी, बेसिकली ऑब्जेक्ट की बच्चों, वो क्या बनेगी, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट के इक्वल होगी। सिक्स हमारे पास, इफ हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन ऑफ ए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देन मैग्नीफिकेशन इज ग्रेटर देन ऑफ ए वन, दैट मीन्स इमेज इज ए इनलार्ज। तो इमेज किस प्रकार की बन के आएगी, आपके पास इनलार्ज इमेज फॉर्म्ड होगी। नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करते हैं हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन ऑफ ए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैग्नीफिकेशन इज लेस देन वन, इट मीन्स क्या बनेगी, इमेज इज ए डिमिनिश्ड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स आपने याद करनी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ये एग्जाम्स में एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं इसके अंदर बेसिकली बच्चों, कि मैग्नीफिकेशन ऑफ ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज प्लस वन, कि जो मैग्नीफिकेशन होती है प्लेन मिरर के अंदर वो ऑलवेज क्या होगी, प्लस वन। अब प्लस का साइन जो है बेसिकली इंडिकेट करता है किसके लिए, वर्चुअल इमेज के लिए, एंड जो वन का साइन है इंडिकेट करेगा इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज, कि जो इमेज का साइज है वो किसके इक्वल होगा, ऑब्जेक्ट साइज के इक्वल होगा। अब इसी के अंदर फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इफ मैग्नीफिकेशन इज पॉजिटिव, यदि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होती है लेस देन वन और वन से कम होती है, इट इज ए कन्वेक्स मिरर। तो कौन सा मिरर होगा, कन्वेक्स मिरर। इफ मैग्नीफिकेशन इज पॉजिटिव एंड मोर देन वन, यदि एक से ज्यादा होती है, दैट इज ए कॉनकेव मिरर। तो कौन सा मिरर होगा उस केस के अंदर, कॉनकेव मिरर होगा। नेक्स्ट हमारे पास सेम इसी के अंदर कि इफ मैग्नीफिकेशन इज ए नेगेटिव एंड इट इज ए कॉनकेव मिरर, तो वो कौन सा मिरर बनेगा, कॉनकेव मिरर बनेगा जिसके अंदर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होती है। नेक्स्ट हमारे पास फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स है बेसिकली बच्चों, ये सारी आपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करनी है। फर्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव। ये हमेशा आपने नेगेटिव ही लेके चलना है किसी भी क्वेश्चंस के अंदर। सेकंड हमारे पास इमेज डिस्टेंस वी इज ए पॉजिटिव,
इफ द इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड ए कॉनकेव मिरर, इमेज कहाँ पर बने, बिहाइंड ऑफ ए कॉनकेव मिरर, तो उस केस में आपकी जो वी होगी वो बेसिकली बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव। एंड नेगेटिव कब होगी, द इमेज इज फॉर्म इन द फ्रंट ऑफ ए मिरर, यदि इमेज कहाँ पर बने, फ्रंट ऑफ ए मिरर बने, उस केस में आपकी बेसिकली बच्चों जो क्या बन के आएगी हमारे पास, इमेज डिस्टेंस वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये आपने अच्छी तरह से लर्न अप कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर है कि इमेज डिस्टेंस वी इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ए कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर के लिए वी ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। सेकंड, यदि बात करते हैं फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के अंदर ऑलवेज क्या लेके चलनी है आपने, नेगेटिव। बट इन केस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर ऑलवेज क्या लेनी है आपने, पॉजिटिव लेके चलनी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, हाइट ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। पॉइंट हमारे पास सिक्स जो है यहाँ पर, इफ द इमेज इज इरेक्ट, यदि इमेज क्या होती है इरेक्ट, द हाइट इज टेकन बी पॉजिटिव, तो हाइट क्या लेके चलोगे आप, पॉजिटिव लेके चलोगे। एंड इफ इमेज इज इन्वर्टेड, यदि इमेज क्या होती है इन्वर्टेड, द हाइट इज बी टेकन नेगेटिव। तो ये सारे टर्म्स आपने लर्न में प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का, जिसको हम स्नेल्स लॉ कहते हैं, इस पे भी न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर, दिस इज साइन एंगल ऑफ ए इंसिडेंस, और ये हमारे पास साइन एंगल ऑफ ए रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू किसके इक्वल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्स्टेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर फॉर्मूला है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, जिसको हम बेसिकली NM से डिनोट करेंगे। NM हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल देते हैं। C हमारे पास क्या रहेगी, दिस इज ए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम, C अपॉन V। V हमारे पास बेसिकली क्या रहेगा यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन मीडियम, कोई भी आपको मीडियम दिया होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल गिलास मीडियम, वाटर मीडियम, तो वो हमारे पास V से रिप्रेजेंट आपने करना है। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली बच्चों इसी के अंदर नेक्स्ट फॉर्मूला रहेगा लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूला हमारे पास 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। अब मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूले में सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, यहाँ पर लेंस में माइनस आता है, मिरर में यहाँ पर बेसिकली बच्चों पॉजिटिव आता है। तो हमारे पास F दिस इज ए फोकल लेंथ, U की बात करें दिस इज ए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V की बात करें दिस इज ए इमेज डिस्टेंस, ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा किसका, लेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारे पास मैग्नीफिकेशन बाय ए लेंसेज, ये वाला भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम एच आई डिनोट बाय एच नोट से डिनोट करते हैं। यदि मैग्नीफिकेशन इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस करें तो वी डिवाइड बाय यू इन केस ऑफ ए लेंस। तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू एच आई डिवाइड बाय एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू, यहाँ से यदि आपने एच आई निकालना है तो एच आई इज इक्वल टू वी अपॉन यू मल्टीप्लाई बाय एच नोट, दिस इज अ मैग्नीफिकेशन बाय ए लेंसेज। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो सबसे पहले हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज ए पॉजिटिव, जो फोकल लेंथ है आपने कन्वेक्स लेंस के लिए वो ऑलवेज क्या लेके चलनी है, पॉजिटिव। फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव लेंस वो ऑलवेज क्या लेनी है आपने, नेगेटिव लेके चलनी है। उसके बाद यदि बात करें मैग्नीफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैग्नीफिकेशन क्या होगी, पॉजिटिव इन केस ऑफ ए कॉनकेव लेंस। इमेज फॉर्म्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो इमेज किस प्रकार की बनेगी बेसिकली बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म्ड होगी। नेक्स्ट हमारे पास मैग्नीफिकेशन इज ए नेगेटिव, जो मैग्नीफिकेशन है वो नेगेटिव होगी व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड रियल एंड इन्वर्टेड, तो इमेज किस प्रकार की बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म्ड होगी। नेक्स्ट हमारे पास यदि फॉर्मूले की बात करें पावर ऑफ लेंस की, पी इज इक्वल टू 1/F इन ए मीटर, ये हमारे पास मीटर के अंदर है। यदि हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं या कोई वैल्यू आपको सेंटीमीटर में दी हो तो आपने ये फॉर्मूला पुट करना है, P इज इक्वल टू 100 अपॉन F इन ए सेंटीमीटर। अब P हमारे पास दिस इज ए पावर ऑफ ए लेंस, F की बात करें दिस इज ए फोकल लेंथ। अब इस केस में बच्चों SI यूनिट ऑफ ए पावर ऑफ लेंस क्या होती है, डायोप्टर, डायोप्टर को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 डायोप्टर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, मीटर इनवर्स के इक्वल होता है, ये भी आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। फिर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास फॉर ए कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के अंदर पावर, और यदि हम पावर की बात करें या फिर फोकल लेंथ की बात करें, वो क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी इन केस ऑफ ए कॉनकेव लेंस के अंदर। बट इन केस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, जो पावर है और फोकल लेंथ है वो ऑलवेज क्या रहेगी, बेसिकली पॉजिटिव रहेगी, या आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। कॉनकेव में नेगेटिव होगी बेसिकली बच्चों, कन्वेक्स में पावर और फोकल लेंथ दोनों क्या होंगी, पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा थिन लेंस को आपस में कंबाइन किया जाता है, तो P इज इक्वल टू P1 + P2 + P3। P1 हमारे पास पावर ऑफ लेंस 1, पावर ऑफ लेंस 2, पावर ऑफ लेंस 3।
अब ऐसे ही हमारे पास पी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 1/f1 फोकल लेंथ में कन्वर्ट कर दिया, 1/f = 1/f1 + 1/f2 + 1/f3, दिस इज द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ए लेंस। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला रहता है इसके अंदर, मैग्नीफिकेशन ऑफ ए लेंस इन ए कॉम्बिनेशन, तो मैग्नीफिकेशन आपने डिनोट करनी है एम से, तो m1 × m2 × m3 एंड सो ऑन। अब ये दिस इज द मैग्नीफिकेशन ऑफ ए लेंस 1, मैग्नीफिकेशन ऑफ ए लेंस 2, मैग्नीफिकेशन ऑफ ए लेंस 3। सो दिस इज द ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो इन सभी फॉर्मूलेज को आपने रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है, सभी को अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। यदि किसी भी स्टूडेंट्स की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करके वहां पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।